नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर सोशल वेलफेयर के कार्यालय में। यहां पर ओएससी कार्यालय बना हुआ है। बीते कल मैंने आपको बताया था कि गोल मेले के पास पूजा देवी, जो कि बटोत की रहने वाली है और घर से वो चली आई थी, दो बच्चे हैं और वो गर्भवती महिला है। लेकिन मुझे रात को कई फ़ोन आए कि आखिर ये बताएं कि वो महिला गई कहाँ, किसके सहारे उसे छोड़ा गया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि लोक विकास दल के प्रधान विक्रम सिंह सलाथिया और उधमपुर पुलिस के सहयोग से उस महिला को इस कार्यालय में पहुंचाया गया है। यहाँ पे शेल्टर बना हुआ है, शेल्टर रूम है। यहाँ पे उस कार्यालय में उस महिला को रखा गया। ये मैं आपको फिर बता दूँ कि ये देखिए, ये पूजा देवी यहीं पे है। और मैं फिर आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर वही लोग आते हैं जो बेसहारा रहते हैं, महिलाएँ खासकर, उनके लिए ये कार्यालय बनाया गया कि जब तक कि उन्हें कोई सहारा ना देता या वापस उन्हें घर नहीं भेजा जाता, तब तक उन्हें यहीं पे रखा जाता है। और पूजा को भी कल शाम को पुलिस द्वारा यहाँ पे लाया गया था और यहाँ पे रखा गया है। मैं पूजा से पूछना चाहूँगा कि उन्हें कैसा खाना कैसा दिया जा रहा है और किस तरह से रखा जाएगा। कितने बजे पूजे थे, कितने बजे आए थे आप यहाँ पे? रात को कोई 10 के करीब। और खाने खुने को दिया जा रहा है? खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है मुझे यहाँ पर। रहने के लिए जगह भी है, जगह भी मिली है। तो घर जाना है वापस? घर नहीं जाना, मैंने घर नहीं जाना है, घर शहर मैंने नहीं जाना। तो अगर इसका अगर 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 उनको अगर इसके बाप को उनको अगर इतनी मेरी इतनी डर, अगर वो अपने साथ में नहीं रख सकते मुझे, वो अपने बच्चों को ले सकते हैं, मुझे छोड़ सकते हैं। बस मेरे पास ये एक ही रास्ता, क्योंकि मैं बहुत दर बदर की है, मुझे सब उन्हें मजबूर कर दिया, ना साथ में रखते हैं मुझे ना कुछ। वो जो मर्जी वो करें, मुझे उनकी नहीं फंसी। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़ दें। बस मैं ऐसी ज़िंदगी से मैं जीना नहीं चाहती हूँ मैं। बस मेरे पास देखिए, ये थी पूजा देवी। लेकिन मैं फिर आपको बता दूँ कि बीते कल जो मैंने खबर आपको दिखाई थी, ये उसका मैं असर दिखा रहा हूँ, उस खबर का असर। कल मैंने ये दिखाया था कि ये पूजा देवी घर से निकल आई थी। लोग भी उस जिस मोहल्ले में ये गोल मेले के पास रह रही थी, लोगों द्वारा इनका पालन पोषण किया जा रहा था। लेकिन एक ही दिन हुआ था हुए, लेकिन उसके बाद एनजीओ से भी अपील की गई थी और पुलिस प्रशासन से भी। विक्रम सिंह सलाथिया, जो कि लोक विकास दल के प्रधान हैं, उनके द्वारा भी पुलिस को फ़ोन किया गया। उधमपुर एसएच रघुवीर सिंह मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा इन्हें इस कार्यालय में लेकर आए हैं। लेकिन ये कहती है पूजा देवी जी, अगर इनके पति बच्चे लेना चाहते हैं वो ले जाएं, लेकिन ये नहीं जाएंगी, घर वापस नहीं लौटेंगी। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। यहाँ के जो अधिकारी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि बीते कल जो खबर मैंने दिखाई थी, खबर का असर देखने को मिला। पुलिस और एनजीओ, लोक विकास दल के प्रधान जो विक्रम सिंह सलाथिया थे, उनके द्वारा और पुलिस द्वारा, पुलिस के सहयोग से उस महिला को यहाँ पर लाया गया है। लेकिन मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा कि किस तरह से रखा गया और कब तक इस महिला को यहाँ रखा जाएगा। मैम, आपका विरा चैनल में स्वागत है। और ये बताएं कि कल महिला यहाँ पे आई थी, और क्या इसके क्या किया जाता है आगे, कि घर वापस भेजा जाएगा या कितने दिन तक आप अपने कार्यालय में रख सकते हैं? ठीक है। नमस्कार, मैं मीना ठाकुर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, वन स्टॉप सेंटर फॉर वीमेन से। रात को तकरीबन 9-9:30 बजे के बीच में मेरे को एसएचओ सर का कॉल आता है कि ऐसे ऐसे लेडी है, उसके साथ में दो बच्चे हैं, तो उसको शेल्टर चाहिए। अब वन स्टॉप सेंटर की सर्विसेज में शेल्टर भी सर्विस दिया की जाती है, शेल्टर भी दिया जाता है। उसमें उसी टाइम हमने तकरीबन 9:30-10 बजे तक क्या हुआ है कि पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं इस लेडी को लेके, हम इसको शेल्टर देते हैं। और अभी मेरी बात चल रही है पुलिस से, ताकि और साथ में इसको एक मेडिकल असिस्टेंस भी दिया हुआ है, क्योंकि अभी इसकी कंडीशन इतनी सही नहीं है, तो वो भी दी जा रही है। बाकी इसकी टेक केयर हो रही है और फैमिली से बात हो रही है, सो दैट कि क्योंकि हमारा यहाँ टेम्प्ररी शेल्टर है और विद इन 5 डेज हम यही कोशिश करेंगे कि हम इसकी फैमिली तक इसको पहुँचा सकें। तो इसके हस्बैंड से बात हुई है, तो 1-2 दिन में मे बी वो आ जाए इनको लेने के लिए। अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, जो इसको सर्विसेज देनी है, पुलिस असिस्टेंस है या लीगल है, कुछ भी है, तो वो हम पूरी देंगे। मैम, कई बार देखा जाता है कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो घर से जो निकल आती हैं,
और काफ़ी परेशानी उन्हें उठाना भी चढ़ती है, खासकर महिलाओं की मैं बात करूंगा कि ना तो इन्हें रहने के लिए जगह मिलती है और घर वालों की ओर से भी तंग किया जाता है। आपके कार्यालय की ओर से, आपकी ओर से किस तरह की उनकी मदद की जाती है? मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, तो मैं चाहूँगी कि जैसे कि अब उनको पता चल जाए, जैसे मीडिया के थ्रू हर एक महिला को पता चल जाए कि अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है तो वन स्टॉप सेंटर में पहुंचने तक ही वो कोशिश करें। तो मैं यहाँ पे अभी चैनल के थ्रू अपने ऑफिस का नंबर भी शेयर करना चाहूँगी, 01992 295064। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, 01992 295064। इस नंबर पे संपर्क करें सो दैट कि वो कोई भी सर्विसेज से दूर ना रह पाएँ, मतलब ये नहीं है कि कहीं भटक जाएँ या कहीं कोई वायलेंस को फेस करें। तो सबसे बड़ा यही चल रहा है कि फीमेल्स को इस चीज़ से रुकना चाहिए, नहीं वायलेंस को फेस नहीं करना है, तो यही है। आपने देखा कि ये थे यहाँ की अधिकारी हैं ये, लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि यहाँ पर पूरी सुविधा इस महिला को दी जा रही है, चाहे वो मेडिकल की हो चाहे खाने पीने की हो, पूरी सुविधा दी जा रही है। जिस तरह से इन्होंने नंबर दिया अपना, मैं फिर यही कहूँगा कि काफ़ी महिलाएं जो कि घर से निकल आती हैं, देखिए घर से जब निकलते हैं तो तब तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जब एक रात बाहर गुजारना पड़ती है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये कार्यालय इसीलिए खोला गया, अगर किसी को कोई परेशानी आती है, जिस तरह से उन्होंने अपना नंबर बताया गया है, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उस नंबर पर बात कर सकते हैं इनसे, और कोई ना कोई मशवरा या यहाँ पर आना चाहे तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।